फिर उनके साहबजादे जावेद रहमानी साहब, फिर उसके बाद ये सिलसिला जो अंजुमन तरक्की से चला, तो आज इस अमल पर आया है कि आज एक किताब उनकी जिंदगी में खिदमत या उनकी जिंदगी में क्या क्या उन्होंने ऐसे जो सहाफत और उर्दू से लेकर, तो ये बहुत खुशी की बात है कि उर्दू की किताबें जिस तरीके से आज आप हालात हादसा में देखते हैं बहुत कम छपने को देखी जाती है, मगर ये जावेद रहमानी साहब की बहुत बड़ी कोशिश और जिस तरीके से जिन लोगों ने उसमें जो जो अपना ताबून दिया है उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ आज जिस जमीन पे हम खड़े हैं अंजुमन तरक्की, इनकी भी बहुत ज़्यादा जो खिदमत है उर्दू के हवाले से, तो आज ये बहुत अच्छा मौका है कि अतीक मुजफ्फरपुरी साहब को लेकर किताब छप रही है और साथ साथ उर्दू सहाफत को लेकर जिस तरह की बातें आज इस सेमिनार में हुई वो भी बहुत नोट करने वाली है, क्योंकि हम उर्दू की दुहाई तो बहुत देते हैं मगर कितने लोग ऐसे जो एक उर्दू का अखबार रोज़ खरीद कर पढ़ते हैं या अपने बच्चों को लेकर उर्दू को लेकर किस तरह से जिम्मेदार हैं। तो आज जो सबक मिला है यहाँ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो शमा एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से उर्दू अखबार खरीदते हैं, लोगों को पढ़वाते हैं, मगर एक सबक मिला कि अपने बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए भी अलग से हमें करना होगा। ये मुसलमानों की जबान नहीं है, आपने जिसने रेख्ता का नाम सुना हो तो रेख्ता पहले कहा जाता है, फारसी और अवध की जबान और हिंदुस्तानी जबान मिलकर उर्दू बनी, तो ये उर्दू हम सबकी जबान है, हम सबको इस जबान की हिफाजत करनी है। और मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ, कम से कम उर्दू अखबार खरीद कर और अपने बच्चे को उर्दू सिखाकर उर्दू की।